तो भाई लोग फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन सी पांच गलतियां जो है आपको यूट्यूब पे नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपके वीडियोस पे व्यू नहीं आएंगे या फिर आपका चैनल जो है ग्रो नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहला गलती ये होता है कि हम जब नया YouTube चैनल क्रिएट करते हैं, नया चैनल हम बनाते हैं, तो हम अपने वीडियो पे व्यू लाने के लिए अपने वीडियो को जो है शेयर करते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी YouTube चैनल हैं उनकी शुरुआती वीडियो पे जो है व्यू नहीं आएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको रेगुलर जो है वीडियो अपलोड करना है। और हम क्या करते हैं, वीडियो को व्यू लाने के लिए अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में, फेसबुक में जो है हम शेयर करते हैं। तो वीडियो को जो है हमको शेयर करने की वजह से जो है हमारा जो वीडियो है उस पर व्यू तो आ जाता है, मगर हमारे जो दोस्त होते हैं उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट के रिलेटिव नहीं रहता होगा। फ्रेंडशिप, दोस्ती की यारी के लिए जो है वो क्लिक तो कर देते होंगे, मगर वीडियो को पूरा नहीं देखने के कारण जो है उस वीडियो पे वॉच टाइम आपको नहीं मिलेगा। और इसकी वजह से जो है यूट्यूब उस वीडियो को जो है प्रमोट नहीं करेगा। यूट्यूब को लगेगा कि उस पर वॉच टाइम अच्छा नहीं है, तो जो है आपका जो उस वीडियो को वो प्रमोट नहीं करेगा। तो आपको जो सबसे पहला चीज़ यही है कि आपको आपके वीडियो को जो है शेयर नहीं करना है। कोशिश कीजिए आप जो है अपने वीडियो को जेन्युइन जो ट्रैफिक होता है, जो यूट्यूब के सर्च में आता है, तो उसको जो है उस तरह से आपको लेने की कोशिश कीजिए, या फिर उन दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर कीजिए जो आपके वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखें। लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें, तब दोस्तों आपका जो है वीडियो पे व्यूज़ भी अच्छा व्यूज़ भी मिलेगा और आपका वीडियो का जो वॉच टाइम है वो सही आएगा। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे आपका वो वीडियो जो है यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन में या फिर ब्राउज फीचर में जो है आपको सपोर्ट करेगा। YouTube के चैनल जो है YouTube आपकी उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक जो है पहुंचाएगा और आपका वीडियो जो है वायरल हो सकता है या फिर व्यूज़ पे आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ध्यान हमेशा यही रखिए, आप अगर अपने वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो आपकी वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों नंबर टू मिस्टेक जो है वो ये है कि दोस्तों आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टैग मत लिखिए। बहुत से भाई जो हैं वो मिस्टेक करते हैं कि वो अपने डिस्क्रिप्शन में पूरा जो टैग है जो है टैग भर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है और इस वजह से जो है आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। तो दोस्तों ये मिस्टेक जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। टैग अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं ताकि आपका वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्टेड में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिकमेंडेशन में जाए, तो आपको टैग लिखने का जो सिंपल तरीका है, आपको डिस्क्रिप्शन में टैग अगर लिखते हैं तो आपको कोमा दे के नहीं लिखना है। योर क्वेरी लिख के जो है आपको पॉइंट के हिसाब से, 1 पॉइंट 2 पॉइंट के हिसाब से जो है आपको आपका टैग को लिखना है, कॉमा नहीं देना है। तो ये जो है चीज़ आप कर सकते हैं, इससे जो है आपके वीडियो को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों तीसरी मिस्टेक जो है आपको ये नहीं करना है यूट्यूब पे कि किसी भी फिल्म का वीडियो कैसे फ्री में डाउनलोड करें, या फिर कोई पेड सॉफ्टवेयर होता है या फिर कोई ऐसा ऐप होता है जो पेड होता है, उसको फ्री में किस तरह से डाउनलोड किया जाए। तो इस तरह का वीडियो जो है आपको अपलोड नहीं करना है अपने चैनल पे। इससे जो है आपको स्ट्राइक मिल सकता है और आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। तो इस तरह का वीडियो अपलोड करने से आप बचें। कोई भी नया मूवी जैसे रिलीज होता है तो बहुत सारे भाई लोग जो है इस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं कि इस वीडियो को आप फुल HD में किस तरह से डाउनलोड करें, तो इस तरह का वीडियो आपको नहीं बनाना है। दोस्तों नंबर चार मिस्टेक जो ये है कि हम लोग जो हैं या फिर जो काफ़ी सारे यूट्यूबर जो हैं वो रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करते। शुरुआती टाइम में जो है इंटरेस्ट रहता है, नया करना रहता है, नया चैनल को मतलब बढ़ाना रहता है, उस पर वर्क करना रहता है, तो एक इंटरेस्ट रहता है। तो शुरुआती टाइम में जो है हर कोई इंटरेस्ट के साथ जो है दिन में एक दो वीडियो जो है अपलोड करता है, मगर जैसे जैसे आपका चैनल पुराना होते जाएगा आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो चला जाता है। हो सकता है व्यू ना आए, सब्सक्राइबर ना आए, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है और जो है
हम रेगुलर वीडियो डालने के लिए जो है वो बहुत ही कम सोचने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी हमारे पास जो भी हमारे व्यूअर रहते हैं, जो भी सब्सक्राइबर रहते हैं, जो थोड़े बहुत ही सही रहते हैं, तो उनसे जो है हमारा इंगेजमेंट ख़त्म हो जाता है और कहीं ना कहीं वो भी जो है आपके वीडियो को धीरे धीरे देखना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करना है। आप अगर पहले दिन में एक या दो वीडियो अपलोड करते थे, अभी आपके पास अगर कोई किसी वजह से टाइम नहीं है, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि दिन में एक वीडियो या फिर दो दिन में एक वीडियो अपलोड करें। कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपका वीडियो जो है नए लोगों तक जो है जाएगा, आपका जो भी नया वीडियो रहेगा, आपके जो व्यूअर्स हैं रेगुलर व्यू हैं वो तो व्यू आएगा ही, साथ ही साथ आप जो नया कंटेंट डालेंगे तो नए लोगों तक भी आपका वीडियो जाएगा और इस तरह से जो है आपके नए वीडियो पर भी कुछ ना कुछ व्यू बढ़ेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो आपको जो है रेगुलर वीडियो अपलोड करना है और इस चीज़ को जो है आपको मेंटेन करना है। तो पांचवा मिस्टेक जो है वो ये है कि फेस कैम वीडियो ना करना। बहुत सारे जो नए क्रिएटर होते हैं वो फेस कैम वीडियो करने से जो है घबराते हैं, उनको लगता है, पहले मैं भी सोचता था कि फेस कैम वीडियो में कैसा बोलूँगा, मतलब कैमरा ऑन होते ही हमारे जो है जवान से आवाज़ ही नहीं निकलता है, क्या बोलना है क्या नहीं, कन्फ्यूज़ में भूल भी जाते हैं क्या बोलना है नहीं। तो आपको जो है इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में कोई भी मतलब फेस कैम वीडियो सही से नहीं करता है, मगर आपको जो है फेस कैम वीडियो रेगुलर जो है करते रहना है, फेस कैम वीडियो ही करना है आपको। उससे क्या होगा, आपके साथ जो नए व्यूअर या जो नए ऑडियंस होंगे आपके चेहरे को देख के जो है आपको पहचानेंगे, आपका चैनल को देख के उतना नहीं पहचानेंगे मगर आपका चेहरा देख के जो पहचानेंगे और आप जो है अपने फेस को जो है आपका जो फ़ोटो है आपका जो पहचान है उसको थंबनेल में ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इस चीज़ से जो है आपका चैनल पे जो है आपका चैनल का पहचान मिलेगा, आपका चेहरे को पहचान मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपको जानेंगे, आपका जो नया वीडियो रहेगा तो वो जान लेंगे कि हाँ आपका अगर कोई वीडियो अगर उनको पसंद आया होगा, आप दोबारा जब वीडियो अपलोड करेंगे आपके चेहरे के साथ आपके फेस कैम के साथ आपके थंबनेल में आपका अगर फ़ोटो अगर दिया होगा तो वो आपकी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के पांच मिस्टेक जो आपको यूट्यूब पे नहीं करना है। ऐसे और भी बहुत सारे मिस्टेक हैं जो हम करते हैं, तो उसके लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, तो वो सारी गलतियां भी आपको नहीं करना है। आज का वीडियो जो है बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।